20 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पटना आगमन हो रहा है और इसको लेकर के पटना के अंदर जो तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाया। और देखिए, विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे और उसको लेकर के जो अमूमन तैयारियां की गई थी, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पटना पहुंचेंगे तो जो भव्य पंडाल की हम बात कर रहे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए यहीं पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आकर के बैठेंगे और यहीं पर उनके साथ जो है तमाम लोग जो मौजूद होंगे वो यहाँ पर होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहीं पर आके बैठेंगे। साफ तौर पे देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस चेयर पे बैठेंगे उसमें अशोक स्तंभ जो है वो लगाया गया है और तैयारियां यही है जो हम आपको एक दिन पहले दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति का संबोधन होगा यहीं से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा के इस ऐतिहासिक जो होने वाला है ऐतिहासिक शताब्दी समारोह उसमें शामिल होंगे और तमाम लोगों को यहीं से संबोधित करेंगे। लेकिन सुरक्षा के दो इंतज़ाम हैं वो हम आज से आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से जो पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के वो यहाँ पे होगा। जो है लगातार तैयारियाँ थी और इसको लेकर के पूरी तरह से अधिकारियों की बात कर ले, पुलिस प्रशासन की बात कर ले, वो तमाम अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है और पटना के SSP उपेंद्र शर्मा, पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वो खुद अभी कार्केट में मौजूद हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और किस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर के तैयारियां की जाएगी। खास तस्वीरें हैं, देखिए राष्ट्रपति यहीं आकर बैठेंगे, यही वो अशोक स्तंभ लगा कुर्सी है जिसपे राष्ट्रपति का आगमन होगा। उसके बाद जब बैठेंगे वो, उसके बाद देखिए यहाँ से जो है उनका संबोधन भी होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तो ये तस्वीरें हैं जो एक दिन पहले लगभग तैयारियाँ पूरी हैं जो है, उसके बाद जो कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति जब पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे तो वो राजभवन जाएंगे, वहाँ से फिर महावीर मंदिर का उनका कार्यक्रम है, फिर जो शताब्दी समारोह है उसमें शामिल होकर के वो इसी पंडाल में आएंगे। भव्य तरीके से पंडाल बनाया गया है, एक एक चीज की व्यवस्था है इस पंडाल में। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई चूक ना हो जाए, उसको लेकर के पूरी तरह से तैयारियां हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने के एक दिन पहले वो देखिए। एक एक जगह पर पुलिस के जवान तैनात होंगे, एक एक जगह पर अधिकारी मौजूद होंगे, कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई अनहोनी ना हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पटना आगमन पूरी तरह से सफल हो, इसको लेकर के तैयारियाँ पूरी हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक दिन पहले की, जब अब लगभग तैयारियाँ पूरी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं किस तरह से राष्ट्रपति यहीं पर आकर बैठेंगे और फिर यहीं से उनका संबोधन भी होगा।